स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट वन प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने मनु कौटिल्य, शुक्र, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती आदि कई भारतीय राजनीतिक विचारों का अध्ययन किया है। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए हम यूनिट फोर पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। उनका उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था और इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी था। उनका बचपन आनंद भवन में विलासितापूर्ण और कुलीन तरीके से व्यतीत हुआ। पिता उनके वकील थे और भारत की राजनीति में सक्रिय भागीदारी के कारण उनके परिवार की प्रतिष्ठा संपूर्ण भारतवर्ष में थी। इन्हें प्रारंभिक शिक्षा एक यूरोपीय शिक्षक के द्वारा घर पर ही दी गई थी। इसके पश्चात 15 वर्ष की आयु में शिक्षा ग्रहण करने ये ब्रिटेन चले गए और वहाँ उन्हें इटली के महापुरुष गैरिबाल्डी के पास पढ़ने का मौका मिला। इसके अलावा उन्हें स्वतंत्रता, समाजवाद, फ्रांस की राज्य क्रांति, इतिहास, ब्रिटेन की रक्तहीन क्रांति एवं अनेक अन्य राजनीतिक चिंतकों के विचारों को जानने का उन्हें वहाँ पर सुअवसर प्राप्त हुआ। इसका प्रभाव यह पड़ा कि भारत लौटने पर और संविधान निर्माण में उनके विचारों को सम्मानजनक दर्जा प्राप्त हुआ। 1907 में वे विधि की शिक्षा प्राप्त करने के लिए पुनः ब्रिटेन चले जाते हैं और 1912 में बैरिस्ट्री की उपाधि लेकर वे भारत लौटे। इनका विवाह 26 वर्ष की आयु में कमला कौर के साथ में हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू को राजनीति विरासत में ही मिली हुई थी क्योंकि उनके पिता कांग्रेस की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। इसका राजनीति में विधिवत प्रवेश 1912 में कांग्रेस में बकिमपुर अधिवेशन में हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व और कृतित्व पर महात्मा गांधी का बहुत प्रभाव रहा। जवाहरलाल नेहरू का उनके युग की महान विभूतियों जैसे कि श्रीमती एनी बेसेंट, चित्तरंजन दास, रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले आदि से भी उनका संपर्क हुआ। उनके व्यक्तित्व पर सर्वाधिक स्थायी और निर्णायक प्रभाव महात्मा गांधी का पड़ा। यद्यपि गांधी जी और नेहरू जी के दृष्टिकोण और राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं पर चिंतन की पद्धति में गंभीर भिन्नताएँ थीं, लेकिन फिर भी इनके मन में गांधी जी के प्रति गंभीर आदर और स्नेह का भाव था। उन्हें गांधी जी के रूप में भारतीय राजनीति में एक आशा की किरण दिखाई दी और उन्होंने अनुभव किया कि गांधी जी सीधी सरल जीवन शैली और नैतिक अवस्थाओं ने भारतीय जनता में उस आत्मविश्वास और उत्साह का संचार किया है जिसके द्वारा वह स्वतंत्रता आंदोलन में पूरे उत्साह से जुट सके। राजनीतिक विषयों में नैतिक आग्रहों की सर्वोच्चता के गांधी जी के दृष्टिकोण से वे व्यापक रूप से प्रभावित हुए। यद्यपि गांधी जी के अहिंसा के दर्शन की नैतिक और आध्यात्मिक व्याख्याओं से वे पूरी तरह से सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का नेहरू जी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। आज़ादी के पश्चात बनने वाली प्रथम सरकार में उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस पद पर वे अपने जीवन के अंतिम समय तक रहे। इस दौरान उन्होंने भारत में सभी क्षेत्रों में सशक्त बनने और भारत में व्याप्त समस्याओं का समाधान करने के लिए पूरी कोशिश की और इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन काल में हमारी
देश के लिए पुरजोर प्रयास किया और धार्मिक और आध्यात्मवादी होने का दावा न करते हुए भी नेहरू ने मानवीय जीवन में भौतिक और स्थूल तत्वों की उपेक्षा सूक्ष्म नैतिक प्रेरणाओं के महत्व को स्वीकार किया। उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि किसी उच्चतर सत्ता में विश्वास तथा उस उच्चतर सत्ता के निकट पहुंचने का प्रयत्न करने की मनुष्य की प्रेरणा को नैतिक आस्था के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक समर्पित और सक्षम राजनेता थे। वे भारत में लोकतंत्र के संस्थागत स्वरूप के समर्थ सूत्रधार तथा लोकतंत्र व समाजवाद के सिद्धांतों के उत्कृष्ट व्याख्याकार थे। नेहरू के चिंतन में पूर्व और पश्चिम, पुरातन और नवीन, आध्यात्मिक और भौतिक तत्वों के सहज समावेश ने उनके चिंतन का एक विलक्षण स्तर प्रदान किया। भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति नेहरू ने अपनी दृढ़ आस्था को अभिव्यक्त किया। राष्ट्रवाद में उदार तत्वों को समाविष्ट करके उन्होंने राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद को एक दूसरे का पूरक बना दिया। विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीयवाद सद्भाव की पूर्व शर्त के रूप में एक स्वतंत्र और सुदृढ़ भारत के निर्माण की आकांक्षा को परिभाषित करके नेहरू ने राष्ट्रवाद को एक नया संदर्भ प्रदान किया। तो स्टूडेंट्स, ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक छोटा सा संक्षिप्त जीवन परिचय। अब हम देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के सांप्रदायिकता संबंधी विचार। नेहरू जी ने भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखकर विचारों का प्रतिपादन किया था। इसी कड़ी में उन्होंने सबसे पहले धर्म और राजनीति के संबंध को निर्धारित करने का एक अटूट प्रयास किया। उन्होंने संकीर्ण धार्मिकता का विरोध करते हुए सांप्रदायिकता को एक राष्ट्रीय एकता, अखंडता के लिए घातक हिंसा व अलगाव को बढ़ाने वाली कहा। उन्होंने सांप्रदायिकता का पुरजोर विरोध किया और एक ऐसे भारत की कल्पना की, एक ऐसे भारत का सपना संजोया जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, और इस कार्य को करने में वो पुरजोर प्रयास उन्होंने किए। उन्होंने धर्म की नैतिक मान्यताओं को स्वीकार करते हुए एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना पर बल दिया। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के कारण भारत के दो प्रमुख धर्मों, हिंदू और मुस्लिम के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए थे। इसके अलावा मुस्लिम लीग की गतिविधियों ने सांप्रदायिकता की आग में घी डालने का काम किया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली और सांप्रदायिकता के आधार पर आरक्षण से दोनों समुदायों के बीच व्यापक दूरियां बढ़ती चली गई थी। पंडित नेहरू ने इस स्थिति से बहुत अधिक विचलित हुए और दोनों धर्मों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने का बल दिया। सांप्रदायिकता का अर्थ और प्रकृति। प्राचीन काल से ही भारत में अनेक धर्मों का अस्तित्व रहा है और वहां धार्मिक सहिष्णुता की भावना हमेशा विद्यमान रही है। अशोक महान का तो यहाँ तक कहना था कि अपने पड़ोसी के धर्म का उसी प्रकार सम्मान किया जाना चाहिए जिस प्रकार आप अपने धर्म का सम्मान करते हैं। धर्म के नाम पर भारत में कभी युद्ध नहीं हुए, यह तो यूरोपीय समाज की देन है। भारत विश्व के चार महत्वपूर्ण धर्म, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म की कर्मभूमि रहा है। ईसाई और मुस्लिम भी यहाँ सदियों से रहते हुए आए हैं। सभी के बीच आपसी सहयोग अपने आप में एक मिसाल है, लेकिन कुछ चंद स्वार्थों तत्वों के कारण हमारी धार्मिक सौहार्द की प्रवृत्ति को काफ़ी धक्का लग रहा है और लगता रहेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का हमेशा से ऐसा मानना रहा है कि हमें जातिगत भेदभाव त्याग कर हमें धार्मिक सौहार्द और प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। उन्होंने सांप्रदायिकता हमारी राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए अभिशाप सिद्ध हो रही है, जिसे रोकने के उत्तरोत्तर प्रयासों के बावजूद यह भावना और अधिक विकराल रूप धारण करती जा रही है। सांप्रदायिकता के आधार पर भारत के विभाजन ने धर्म के नाम पर हजारों बेगुनाहों लोगों का खून बहाया है। वो नज़ारा मानव की बर्बरता को सिद्ध करने वाला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान और सरकार के द्वारा बनाए जाने वाली नीतियों में
सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की कोशिश की ताकि स्वतंत्र भारत में सांप्रदायिकता के जहर को नष्ट किया जा सके। उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन इन सबको अलग अलग ना मानकर सबको एक माना और राष्ट्रीय एकता अखंडता एवं सब प्रभु सुरक्षित रखने का एक नारा दिया। उन्होंने आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहन दिया, समस्त धार्मिक असमानताओं का अंत कराया। प्रगति के लिए सहायक साधनों के रूप में उन्होंने पुरजोर प्रयास किया सांप्रदायिक निवारण के उपाय। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सांप्रदायिकता की विकराल समस्या से समाज को मुक्ति दिलाने के लिए कई प्रयास किए ताकि दोनों समुदायों के बीच सौहार्द का एक नवीन युग संचालित हो सके। इसके लिए उन्होंने कुछ सुझाव दिए, वो इस प्रकार हैं। पहला है संविधान सभा। सांप्रदायिक समस्या का निवारण व्यापक मताधिकार है। आधार व्यापक मताधिकार के आधार पर निर्वाचन संविधान सभा द्वारा होना चाहिए। भारत